हाय इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर नाइन दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है मेनली ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले पोस्ट कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के ग्रुप के बाद जो जो फेजेस होते मतलब कम्पेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप जो ख़त्म होता है उसके बाद कौन, कौन से कौन से फेजेस आते दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर देन सेक्शन फॉर इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में हम जानेंगे मेनली ये कब आता है जब ये कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ये जब खत्म होता है उसके बाद आता है ये सिक्सा ओके okay? सिक्का जिसको बोलते हैं सिक्का दैट इज सेक्शन फॉर इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद हम फोकस करेंगे मेनली और स्टडी करेंगे दैट इज गुड गवर्नेंस देन वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स ठीक है इसके बारे में हम जानेंगे देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड एट लास्ट कंपेरेटिव पब्लिक पॉलिसी ओके तो पॉलिसी अप्रोच ये सभी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे ओके तो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर

प्लेसम एंड सला मॉडल इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझा देन हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर मेजर लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंस द रिजोल्यूशन ऑफ द कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप इन द ईयर नाइनटीन सेवनटी जब नाइनटीन सेवेंटीज में कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ख़त्म होता है उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है इन द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी हम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे ओके सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पोस्ट कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप इसके फेजेस मतलब जब कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के बाद कौन से कौन से फेजेस आते हैं फॉर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय